हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिया के लीडिंग करंट अफेयर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल जो है वो थी 5 तारीख, और 5 तारीख को न्यूज़पेपर नहीं आया था क्योंकि 4 तारीख को दिवाली थी। तो दिवाली के अंदर दोस्तों सभी के हॉलीडे होते हैं, तो 5 तारीख का न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ। यस, आज जो है वो न्यूज़पेपर पब्लिश हुए हैं सारे के सारे, तो आज हम लोग जो है वो कवर करेंगे, यानी कि 5th of November और 6th of November दोनों का करंट अफेयर है दोस्तों, जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो कौन कौन से न्यूज़पेपर के अंदर क्या क्या जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें आई है वो सभी है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अगर आप इंडिया में इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस सेशन को रेगुलर देख सकते हैं, आपको काफी बेनिफिट है जो कि मिलेगा। ठीक है गाइस, और अगर आप इंडिया में, ये देखिए कॉन्टेंट क्या होगा। सबसे पहले हम लोग सारे न्यूज़पेपर कवर करेंगे, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट, और कुछ क्वेश्चन आज नहीं है। ठीक है गाइस, कल से अवेलेबल करवाऊंगा क्योंकि न्यूज़पेपर आज काफी लेट आए थे, तो लेट आने के चक्कर में मैं क्वेश्चन जो है वो नहीं बना पाया। सारे के सारे न्यूज़पेपर, पीआईबी, पीआरएस, है ना, ये सब कवर करने के अंदर ही जो है वो टाइम निकल गया। 5 बजे वाली क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी, 5 PM वाली जो क्लास होगी वो कल से कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, अभी 1-2 दिन से जो है जो भी पोर्टल्स अपने जो भी न्यूज़पेपर, वहां पे कंटेंट ही अवेलेबल नहीं था यार। तो कंटेंट अवेलेबल नहीं था तो फिर मतलब कुछ भी बनाने से तो मतलब है कि आप बेटर बनाओ। ओके, कुछ भी बना के आपको अवेलेबल करवाना ठीक नहीं है, तो इसीलिए बेटर चीजें अवेलेबल करवाना जरूरी है। तो जैसे आज से कॉन्टेंट आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसके अलावा BHU या फिर भुवनेश्वर आप दोस्तों यूज कर सकते हैं अकेडमी पे, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC किसी भी एग्जाम के लिए आपको गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है। आपको यहाँ पे इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर, सारी क्लासेस है जो कि आपको अवेलेबल करवा देंगे। और इस बार 170+ लोगों ने अकेडमी लर्नर ने जो है वो एग्जाम क्रैक किया है, तो आप भी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सभी चीजें आपको दोस्तों 40+ एग्जाम में देखने को मिलती है। आप यहाँ पे 12, 24 या 36 सेलेक्ट करके नीचे की तरफ रेफरल कोड है जो कि आप लगा सकते हैं BHU10, और आप अपना प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके गाइस, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी अलग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे अपना गोल जो है वो सेलेक्ट करना है। जो भी आपका गोल है, कोई भी आपका एग्जाम है, UPSC हो, कोई सा भी हो, प्लस में जाइएगा गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ, और यहाँ पे BHU10 है जो कि आपको लगाना है। ठीक है गाइस, और स्पेशल क्लास की बात करें तो 12 बजे स्पेशल क्लास है जहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि कवर कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पॉलिटी मैंने स्टार्ट करी है SSC के अंदर, तो अगर आप GS का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो SSC के अंदर पॉलिटी है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं ₹500 per month एक पिज्जा के कॉस्ट पे, हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, smileforallsociety.org के वेबसाइट पे जाके, और आपको इस बच्चे का पूरा डिटेल जो है वो हर मंथ मिलता रहेगा। आज के कोट ऑफ द डे की बात करें गाइस, तो एक बहुत अच्छी बात है जो कि आप अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल के द्वारा बोली गई थी कि व्हेन वन डोर क्लोजेस अनदर ओपन्स, बट वी ऑफन लुक सो लॉन्ग एंड सो रिग्रेटफुल अपॉन द क्लोज्ड डोर दैट वी डू नॉट सी द वन विच हैज ओपन फॉर अस। बिल्कुल सही बात बोली है। बहुत बार दोस्तों आप किसी भी चीज में बहुत कोशिश करते हो, बहुत सारे ऐसे एक वक्त आता है जब आपके लिए डोर क्लोज हो जाता है और हमें लगता है कि अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, एक डोर ओपन होता है तो लाइफ में और कई सारे ओपन होते, क्लोज होता है तो एक कई सारे ओपन भी होते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि हम लोग एक चीज को इतना ज्यादा उसमें रिग्रेटफुल होते हैं ना कि हमें दूसरे दरवाजे ओपन हुए हुए नजर ही नहीं आते। तो लाइफ में ऐसा नहीं होता, अगर आप कुछ चीज़ों में फेल होते हो तो और भी कई सारे रास्ते आपको देखने को मिलते हैं। लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत एफर्ट लगाते हो, बहुत चीज़ें करते हो, उसके बाद में ऐसा लगता है कि अब इससे आगे नहीं जा सकते, लेकिन उस मोमेंट पे भी आपके पास में और भी कई सारे रास्ते होते हैं। लेकिन नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जब आपके पास में नॉलेज आ गई है उसके बाद आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ हमेशा रखिए, आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है इस पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बात करें द हिंदू के फ्रंट पेज की। तो आज जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों, आप देख सकते हैं आज है 6th of November, और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो ड्यूटी के अंदर जो कट हुआ है अभी, और स्टॉक लिमिट जो लगाया गया एडिबल ऑयल प्राइसेस से, एडिबल ऑयल के ऊपर, उससे दोस्तों प्राइसेस 5 से 10 रुपए ऑयल के अंदर भी कम हो गए। पेट्रोल डीजल के अंदर 5-10 रुपए कम हुए, और ऑयल के अंदर दोस्तों जिनके रेट 50% तक एक साल के अंदर बढ़ गई है वहां पर भी 5-10 रुपए की जो है दोस्तों रियायत है जो कि देखने को मिली है। ओके, कम से कम मतलब यार पेट्रोल डीजल आना चाहिए 70 रुपए के ऊपर, डीजल आना चाहिए 60 रुपए, और एडिबल ऑयल कम से कम 100-125 रुपए की रेंज में, तब जाके वापस से जनता जो है वो नॉर्मल अपने रूटीन के ऊपर आ पाएगी।
चलिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो है मोदी जी की दोस्तों, हमेशा की तरह जो है वो एक मेडिटेशन या फिर एक हाथ जोड़ते हुए मंदिर के अंदर मस्जिद के अंदर जिस तरीके से आती है। तो उत्तराखंड के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं दोस्तों, मोदी जी ने यहाँ पे ऋषि ट्रेडिशन के बारे में बात करी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे, इस वाले न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूएस की कोई भी वैक्सीन जो है वो इंडिया में लॉन्च नहीं हो पा रही है, जैसे कि फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि इंडेमनिटी जो क्लॉज है ना उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उन्होंने बोला है कि हम लोग इंडिया में कोई वैक्सीन लगाएंगे तो उसके बाद जो भी होता है वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये इंडेमनिटी क्लॉज है जो कि वो एड ऑन करवाना चाह रहे हैं लेकिन हमने अलाउ नहीं किया, ओके गाइस, तो इसीलिए वो इंडिया में अवेलेबल नहीं हो पा रही है। फाइजर ने ये बोला है कि जो उनकी पिल आने वाली है, गोली भी आने वाली है कोविड की, आने वाले 2-3 महीने में आपको गोली भी देखने को मिल जाएगी, समझ गए। तो 90% तक डेथ जो है उसमें रिस्क जो है हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ का कम हो जाएगा, ऐसा फाइजर के द्वारा कहा गया है। वानखेड़े साहब दोस्तों अब इस केस को नहीं देखेंगे, आर्यन खान वाले यहां पे सेक्रेटरेट को बनाने को लेकर बोला गया, इस महीने से काम स्टार्ट हो जाएगा। दिवाली के दिन दोस्तों दिल्ली के अंदर पिछले 5 सालों में पोस्ट दिवाली डे के अंदर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन देखने को मिला, स्टबल बर्निंग के इंपैक्ट लंग के ऊपर ज्यादा होते हैं, ऐसा दोस्तों स्टडी में कहा गया है। ये पूरा का पूरा आपका फ्रंट पेज है जो कि यहां पे देखने को मिलता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाले न्यूज, ठीक है गाइस। तो देखो इलेक्शंस आने वाले हैं उत्तराखंड के अंदर, मोदी जी पहुंच चुके हैं, ऋषि ट्रेडिशन को दोस्तों इन्होंने काफी बातचीत करी, डेवलपमेंट क्या हुआ उत्तराखंड में उसके बारे में बातचीत नहीं करी, लेकिन अयोध्या के अंदर राम टेम्पल बना है, इसके अलावा ठीक है हेमकुंड साहिब के बारे में, गुरुद्वारा के बारे में, उसके अलावा केदारनाथ के बारे में, उसके अलावा आदि शंकरा जी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बातचीत जरूर हुई है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो यहाँ पे एक स्टैच्यू है जो कि अनवील किया गया है आदि शंकरा जी का, तो इनके बारे में बात करेंगे, बहुत ही फेमस दोस्तों फिलोसफर है जो कि रह चुके आदि शंकरा जी, इनके बारे में बात करेंगे। शंकराचार्य टेम्पल भी आपको श्रीनगर के अंदर डल लेक के पास में देखने को मिलता है, बिल्कुल टॉप से पूरा श्रीनगर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि काफी डिस्कशन है जो कि यहाँ पे उनके बारे में हुआ है आदि शंकरा जी के बारे में, ठीक है गाइस। तो देखिए एक 12 फुट का स्टैच्यू है आदि शंकराचार्य जी का, केदारनाथ के अंदर वो अनवील किया गया है, और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर ही उन्होंने समाधि है जो कि आदि शंकराचार्य जी ने ली थी 32 साल की उम्र के अंदर, ओके, और ठीक है गाइस। और लॉर्ड शिवा का री इंकारनेशन है जो कि इनको माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन ऑफ काशी, राम टेम्पल, इनके बारे में डिस्कशन हुआ, ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन सेंटर, इन सब के बारे में बात करी गई यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही रिमार्केबल स्टोरी है जो कि आदि शंकराचार्य जी की मानी जाती है, ट्रैवल, एडवेंचर, फिलॉसफी, ओके, कॉन्फ्लिक्ट इन फेथ और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लिनेज, ऑर्गेनाइजेशन, मोबिलाइजेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि दोस्तों इनसे जुड़ी हुई है, ठीक है। बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी फैक्ट्स जो कि इनसे देखने को मिलते हैं। देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है ना, इसके अंदर दो स्कूल होते हैं, एक तो है आस्तिक जो कि गॉड में बिलीव करते हैं, और एक होते हैं दोस्तों नास्तिक, समझिए। आस्तिक स्कूल वाले जो होते हैं वो कौन कौन से, मीमांसा, संख्या, योग, न्याय और वैशेषिका, और साथ में एक वेदांत, ठीक है गाइस। तो ये सारे के सारे स्कूल आपके कौन से होते हैं, आस्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जो कि मानते हैं, जो कि गॉड में बिलीव रखते हैं। उसी प्रकार से जो नास्तिक स्कूल है उसमें चार्वाक, जैन, बुद्धिस्ट, जो कि मेडिटेशन में, सोल में, मतलब खुद के ऊपर ज्यादा कंसेंट्रेशन की बात करते हैं, ओके, कर्मा के बारे में ज्यादा डिस्कशन करते हैं। अब देखिए आपने जो वेदांत है ना, इसके अंदर भी हमारे कई सारे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी बातें बताई, जिनको हम लोग या दुनिया में काफी लोग मानते हैं। आदि शंकराचार्य बहुत ही फेमस है दोस्तों, ओके, गवर्नमेंट इनको नेशनल फिलोसफर का भी दर्जा देना चाहती है, रामानुजाचार्य, माधवचार्य, वल्लभचार्य, ओके गाइज। जो वेदांत के अंदर जो बताया जाता है वो फिलॉसफी मानी जाती है मैनी गॉड्स की, कि कई सारे भगवान होते हैं, कई सारे उनके अवतार होते हैं, ये वेदांत के अंदर फिलॉसफी है जो कि मानी जाती है, बिलीव्स इन मैनी गॉड, ठीक है गाइस। अब आदि शंकराचार्य जी के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि 11th of May 788 AD को दोस्तों इनका जन्म हुआ कोची केरला के अंदर, 32-33 साल में इन्होंने समाधि है दोस्तों जो कि केदारनाथ, केदार तीर्थ जिसको अपन कहते हैं, वहां पर देखने को मिली। इनके फादर का नाम था शिवगुरु, मदर का नाम था आरंभ। इसके अलावा माया थ्योरी, अद्वैत वेदांता, ओके, ड्यूलिज्म जिसको, नॉन ड्यूलिज्म जिसको कहते हैं, तारक ब्रह्मा, इन सब से दोस्तों एसोसिएटेड इनको माना जाता है। इन्होंने 4 मठ का एस्टैब्लिशमेंट किया था, ओके, एक श्रृंगेरी के अंदर, पुरी में, द्वारका में, बद्रीनाथ के अंदर, ओके, ताकि सनातन धर्म को, प्रपोगेशन को आगे बढ़ाने को लेकर।
इनका भाष्य कमेंट्री जो है ना इनकी, वो बहुत ही फेमस रही है। किसके ऊपर? आपके गीता के ऊपर, ब्रह्म सूत्र के ऊपर, ठीक है, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, इनके ऊपर इन्होंने काफी, इनकी जो लेक्चर्स है, इनकी जो कमेंट्रीज है, वो बहुत ही फेमस है, जो कि अक्रॉस द ग्लोब रही है, जिसको ब्रह्म सूत्र भाषा है जो कि कहते हैं दोस्तों। ब्रह्म सूत्र के ऊपर इन्होंने लेक्चर है जो कि दिया था। गवर्नमेंट ने दोस्तों 11 मई को नेशनल फिलोसोफर डे भी घोषित किया था, क्योंकि 11 मई को इनका बर्थडे है जो कि आता है। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही जबरदस्त रहा रिवाइव करने के लिए हिंदुइज्म को लेकर, ओके, क्योंकि उस टाइम पे 1000 बीसी के टाइम पे, 800 बीसी के टाइम पे बुद्धिज्म जैनिज्म काफी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इन्होंने जब जो रियल बातें जो इन्होंने हिंदुइज्म के बारे में बताया, उससे काफी लोग जो है वो अट्रैक्ट हुए थे। चार मठ मैंने आपको बताई दिया इंडिया के चार कॉर्नर के अंदर इन्होंने स्टैब्लिश है जो कि करे थे। उसी प्रकार से शंकराचार्य टेम्पल भी बहुत फेमस है, जैसे कि मैंने आपको बताया श्रीनगर के अंदर है, ठीक है गाइस, इसको ज्येष्ठेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है और बुद्धिस्ट के द्वारा इसको पस पहाड़ टेम्पल भी कहा जाता है, ठीक है गाइस। पर्शियन और जो ज्यूइश लोग हैं इसको सुलेमान टेम्पल भी कहते हैं, गार्डन ऑफ किंग सुलेमान भी कहते हैं, किंग जो था उसका गार्डन के तौर पर इसको देखा जाता था, ओके। जो पर्शियन इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी इस टेम्पल के बारे में डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है। शंकराचार्य हिल है, ओके, जिसको हिल ऑफ सोलोमन भी कहते हैं, ठीक है गाइस, श्रीनगर के अंदर वहीं पर ये दोस्तों बना हुआ है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, 1000 फीट ऊपर है दोस्तों, और पूरी सिटी आपको यहां से देखने को मिलती है, ठीक है गाइस। ऐसा माना जाता है कि ये, कई लोग बोलते हैं कि 200 बीसी का है, लेकिन नॉर्मल जो आपका आज का स्ट्रक्चर है वो 9th century का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे आदि शंकरा जी आए थे, काफी टाइम तक रहे थे, इसलिए टेम्पल का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे किया गया है, ओके। आप ये देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल टेम्पल है। यहाँ के जो इंडिजीनियस स्टाइल है दोस्तों आर्किटेक्चर की, उसको बोलते हैं सिहार स्टाइल, उस स्टाइल के अंदर इस टेम्परेचर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन है जो कि किया हुआ है, हॉर्स शू आर्क टाइप ऑफ पैटर्न में इसको बना रखा है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से व्यू है जो कि टॉप से दोस्तों आपको देखने को मिलता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं गया हुआ हूँ इसलिए बता रहा हूँ, कभी भी श्रीनगर जाओ तो यहाँ पे जरूर जाके आना, है ना, आपको पूरा सिटी का व्यू है जो कि आपको देखने को मिलेगा, पूरा श्रीनगर, डल लेक देखने को मिलेगी, सब देखने को मिलता है, ठीक है, ये देख सकते हो। ऑलराइट, आगे बात करते हैं, पेज नंबर 10 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे बात करेंगे गोवा की मैरिटाइम कॉन्क्लेव को लेकर। यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली 3rd edition है जो कि अभी लॉन्च किया गया है, किसका? गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव का। ये नेक्स्ट वीक के अंदर होने वाला है, काफी देशों के नेवी के चीफ हैं और हेड ऑफ मैरिटाइम एजेंसीज हैं जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ओके। एक तो इंडियन नेवी तो करेगी, साथ में 12 और ऐसे देश जो कि इंडियन ओशन रीजन के हैं, इंडियन ओशन के आसपास के IOR जिनको अपन कहते हैं ना, ठीक है, इंडियन ओशन रीजन, तो ये सारे देश है जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसको अपन बोलते हैं IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इसमें जो आपके इंडियन ओशन जो कंट्रीज है वो सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा जो कंट्री है वो है फ्रांस, जो कि इंडियन ओशन से जिसका लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसका मेंबर है, अभी लास्ट ईयर इसका मेंबर है जो कि बना था, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे गोवा के अंदर 7 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में शेड्यूल किया गया गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव, और यहाँ पे थीम रखी गई है मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, ए केस फॉर प्रोएक्टिव रोल फॉर IOR नेवीज, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, इसके अलावा यहाँ पे मेक इन इंडिया एग्जीबिशन के अंदर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री दिखाई जाएगी। इसके अलावा जो हमारे डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल है, ओके, वो भी यहाँ पे दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे। GMC 21 नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह जी जो है वो यहाँ पे डिग्नेटरीज को होस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं बांग्लादेश है, कोमोरोस है, इंडोनेशिया, मदगास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशियस, म्यांमार, सेशल्स, ये सारे कंट्रीज है जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये सारे कंट्रीज वो कंट्रीज है जिनको ये कहीं ना कहीं थ्रेट है कि चाइना जो है वो इंडियन ओशन के अंदर इंक्लूड नहीं कर जाए, ठीक है गाइज। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्वेश्चन दोस्तों कई बार आता है, फॉर्मेशन 1997 के अंदर किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मॉरिशस के अंदर है जो कि माना जाता है, ठीक है गाइज। इसका पहला नाम हुआ करता था इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव, इसका नाम है जो कि हुआ करता था, समझ गए, बाद में नाम बदल के इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हुआ और IORA इसको शॉर्ट फॉर्म में है जो कि कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपस में ये लोग नेवीज के बीच में ट्रेड को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, ये सब काम करते हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा दोस्तों ये आइडिया है जो कि
दिया गया था 1997 में इसका फॉर्मेशन हुआ। 23 कंट्रीज है जो कि अभी इसके मेंबर है दोस्तों फिलहाल। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे मेंबर है। इसके अंदर आपको सारे इंडियन ओशन कंट्रीज देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। ये सारे इंडियन ओशन के आसपास के ही बाजू के कंट्रीज हैं जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं, लेकिन बस एक आपको फ्रांस है जो कि आपको अलग से देखने को मिलेगा। ये मेंबर बना था 2020 के अंदर ही, मेंबर है जो कि बना था, ठीक है। अभी 2020 के अंदर ही वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसको होस्ट किया गया था यूएई के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस थीम रखी गई थी प्रमोटिंग है शेयर्ड डेस्टिनियन पाथ टू प्रोस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन, ये रखी गई थी। सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया और यहीं पर ही फ्रांस है जो कि मेंबर बन गया था। हमने एक ई ऑफिस सिस्टम भी बनाने के लिए बोला था आईओआरए के सेक्रेटरिएट के अंदर, और एक महात्मा गांधी लाइब्रेरी भी जो है वो सेक्रेटरिएट में बनाने के लिए बोली थी, ठीक है गाइज। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। इसी पेज के ऊपर एक दो और इंपॉर्टेंट न्यूज है, देख लेते हैं। एक तो हमने इसके बारे में बात करी, एक ये वाली न्यूज भी इंपॉर्टेंट है जो कि आईआईएम उदयपुर से संबंधित है, ठीक है गाइज। आईआईएम उदयपुर, देखिए क्या होता है कि आईआईएम आपको मालूम है बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट माने जाते हैं हमारे मैनेजमेंट की स्टडी के लिए। तो अभी क्या हो रहा है कि आईआईएम उदयपुर के जो बच्चे हैं ना वो क्या करने वाले, वो रिसर्च करने वाले हैं हमारे ट्राइबल बेल्ट को लेकर, कि जो सदर्न राजस्थान वाला जो एरिया है उदयपुर वाला बांसवाड़ा वाला, तो ये इस वाले एरिया के अंदर जो ट्राइबल लोग हैं वो कैसे वहां पे हेल्थ की कंडीशन है, कैसे वहां पे माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, एजुकेशन की क्या कंडीशन है, इंटरनेट लोग काम में लेते हैं कि नहीं लेते, ओके कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, क्या चीज वो कंज्यूम करते हैं, हर चीज का दोस्तों डाटा माइनिंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जो कि ये लोग करने वाले हैं, समझ गए। तो यहाँ पे उदयपुर डूंगरपुर और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में है यहाँ पे दोस्तों ये कंज्यूमर बिहेवियर है जो कि ये लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इसकी लोगों की चॉइसेस क्या है और इंटरनेट पेनिट्रेशन राजस्थान के अंदर कितना है, ट्राइबल चॉइसेस प्रेफरेंसेस क्या है, कंजप्शन क्या है, ओके अंडरस्टैंडिंग उनकी वे ऑफ लाइफ, इंडिजिनियस फूड प्रैक्टिस, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, सोशल इंटरेक्शन ट्राइबल पॉपुलेशन में, ये सब है जो कि यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। क्या ओपन डिफेकेशन होता है, क्या अभी भी माल न्यूट्रिशन की कितनी समस्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आईएम उदयपुर है जो कि ये रिसर्च का काम है जो कि करने वाला है, ठीक है गाइस। सदर्न राजस्थान ट्राइबल पॉपुलेशन एक कंज्यूमर कल्चर लैब है जो कि आईएम उदयपुर के द्वारा एस्टेब्लिश करी गई है, कंज्यूमर कल्चर लैब। तो कंज्यूमर का क्या कल्चर है उसके बारे में ये लोग रिसर्च है, कोरिलेशन है जो कि करते हैं, ठीक है। 2020 के अंदर ही सीसीएल कंज्यूमर कल्चर लैब का फॉर्मेशन है जो कि किया गया था, यूनिक इनिशिएटिव था रिसर्च और मैनेजमेंट करने को लेकर, ताकि जो गैप है उसको थोड़ा सा समझ सके, ठीक है गाइस। आईएम की बात करें तो हमारे देश के बहुत ही प्रेस्टिजियस दोस्तों मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट माने जाते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में है। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम से जो कि यहाँ पे रन होते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, नेहरू जी के इनिशिएटिव के बाद इसकी शुरुआत करी गई थी दोस्तों, रिकमेंडेशन था प्लानिंग कमीशन का, और पहली बार आईएम कलकत्ता का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1961 के अंदर, ओके। उसके बाद में अहमदाबाद का हुआ, फिर बेंगलुरु, फिर लखनऊ और फिर कोझिकोड, ये शुरुआत के 5 आईएम आज के टाइम पे 20 के आसपास है जो कि आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। इस नंबर वन रैंक है वो अहमदाबाद की है, सेकंड आपके बेंगलुरु और थर्ड आपके कलकत्ता की, ओके हमारे मैनेजमेंट के अंदर। ऑल राइट, आगे बात करें पेज नंबर 11 की तरफ दोस्तों। एक बार वीडियो को शेयर कर देना, एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इथियोपिया के बारे में बात करने वाले हैं। देखो इथियोपिया के अंदर वापस से बहुत बड़ी समस्या है जो कि खड़ी हो गई है, डेमोक्रेटिकली तरीके से दोस्तों वहां पे इलेक्शंस भी हुए थे, वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि वहां के जो रिबेल ग्रुप है ना वो सबने दोस्तों हाथ मिला लिया है और वो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए। इनफैक्ट बड़ी बात यह कि आज जो इनकी कैपिटल एडिस अबाबा उसके पास में 2 सिटीज को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया है और ये कैपिटल की तरफ दोस्तों बढ़ रहे हैं। ऐसे टोटल 9 रिबेल ग्रुप है जो कि इथियोपिया गवर्नमेंट की फोर्सेस से दोस्तों लड़ रहे हैं और ठीक है, और कैपिटल की तरफ है जो कि ये लोग बढ़ रहे हैं। इनको जो लीड कर रहा है उसका नाम है टीपीएलएफ, टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट है, ओके, जो कि पिछले एक साल से जो यहां पे प्राइम मिनिस्टर है अहमद उनकी गवर्नमेंट से दोस्तों लड़ रहा है। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूंगा कि ये लड़ाई जो है वो क्यों हो रही है, ठीक है। देखिए इथियोपियन गवर्नमेंट ने अभी यहां पे एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है क्योंकि यहां के जो गवर्नमेंट का जो सबसे रिबेलियन ग्रुप है ना उसका नाम है टिग्रेरियन
फोर्सेस जो कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पहले मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, बाद में पॉलिटिकल पार्टी भी बन गई, उसकी खुद के पास सेना है, खुद की फोर्सेस है, समझ गए। तो एक्चुअली में मुद्दा क्या है कि इथोपिया की कैपिटल है अडिस अबाबा, तो अडिस अबाबा और इथोपिया और इरिटीरिया दोनों देशों के बीच में दोस्तों बहुत सालों से इश्यूज हैं। लेकिन जो यहाँ पे नोबेल प्राइज आपको मालूम है कुछ टाइम पहले यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर उनको मिला था, अबे अहमद को मिला था, क्यों मिला था, क्योंकि उन्होंने इथोपिया और इरिटीरिया के बीच में संधि कर ली थी, पीस है जो कि स्टैब्लिश कर लिया था। अब ये जो पीस स्टैब्लिश करने वाला मूव है ना, ये दोस्तों इस रीजन में रहने वाले लोगों को पसंद नहीं आया, जो कि यहाँ के कौन से टिग्रे रीजन है। ये जो टिग्रे रीजन है ये इरिटीरिया के साथ में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रहे हैं, हमेशा से लड़ाई के अंदर रहे हैं। सुडैन से दोस्तों इनको सपोर्ट भी मिलता है पास वाले कंट्री से, और यहाँ पे इस कंट्री के साथ में ये बॉर्डर वाले एरिया टच करते हैं ना, तो यहाँ पे अक्सर इनकी लड़ाई है जो कि देखने को मिलती है। ठीक है गाइस, तो अब ये इनसे लड़ाई करते हैं तो क्या हो गया, एक तरीके से इरिटीरिया से लड़ाई कर रहे हैं, तो कुल मिला के इथोपिया इरिटीरिया को सपोर्ट कर रहा है कि भाई लड़ाई नहीं करनी है। तो ये जो ग्रुप है ये गवर्नमेंट के खिलाफ भी हो गया है, और 2020 के अंदर भी गवर्नमेंट की फोर्सेज और इनके बीच में दोस्तों लड़ाई देखने को मिली। ओके, हाईवे जो है सिटी की तरफ जाता हुआ इसको इन्होंने सीज कर लिया। यहाँ पे पूरे रीजन में बहुत सारे छोटे छोटे से ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की फोर्सेज आपको व्हाइट में देखने को मिल रही है, उसी प्रकार से एंटी गवर्नमेंट अमहारा ये आपको रेड में देखने को मिलेंगे, उसी प्रकार से TPLF ये टिग्रे वाले रीजन में है जो कि मेन मिलिटेंट ग्रुप है, उसी प्रकार से ओरोमो फोर्सेज ये आपको ऑरेंज में ओरोमो फोर्सेज देखने को मिलेंगे। एक्चुअली में जो ये अहमद जो भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है वो ओरोमो से आते हैं, इसी ट्राइबल ग्रुप से आते हैं, लेकिन ये फोर्सेज भी दोस्तों गवर्नमेंट के खिलाफ हो गई है। तो ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं जो कि यहाँ पे बने हुए हैं और सब दोस्तों यहाँ पे आगे हो गए हैं। ये देखिए ये टिग्रे रीजन है, यहाँ पे ये इरिटीरिया के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं और इनके आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। ठीक है गाइस, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक तो एथनिक ग्रुप्स बने हुए हैं और यही ग्रुप दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी भी बना लेते हैं, तो यानी कि ट्राइबल बेल्ट जो है उनके बीच में भी आपस में लड़ाई और फिर पॉलिटिकल पार्टियों में भी लड़ाई, ये यहाँ पे दो मुद्दे देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइस, तो 2018 के अंदर दोस्तों जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एबे अहमद मिले तो उन्होंने दोस्तों क्या किया, डेमोक्रेसी को वापस से रिस्टोर किया, मीडिया के ऊपर से कर्व्स हटा दिए और पीस है जो कि इरिटीरिया के साथ में कर दिया, जिससे उनको नोबेल प्राइज भी मिला 2019 के अंदर। ठीक है, इरिटीरिया दोस्तों एक सबसे बड़ा एनिमी है जो कि TPLF का माना जाता है, जो कि एक लॉन्ग बॉर्डर भी उनके साथ में शेयर करता है। यहाँ पे जब ये अहमद दोस्तों प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने TPLF के जितने भी लोग थे उनको गवर्नमेंट में से हटा दिया, उनको ऐसी पोजीशन में से हटा दिया जहां पे वो अनरेस्ट की कंडीशन है जो कि पैदा कर सकते थे। यही मूव ने TPLF को दोस्तों और गुस्सा दिला दिया और उनके खिलाफ है जो कि हो गए। एबे ने क्या किया, नए पॉलिटिकल कोलिशन किए, प्रोस्पेरिटी पार्टी का फॉर्मेशन किया, ओके, और जिसको सभी लोगों ने ज्वाइन किया लेकिन TPLF ने इसको ज्वाइन नहीं किया। ठीक है गाइस, यहां पे गवर्नमेंट के इलेक्शन भी होने वाले थे 2021 के अंदर, लेकिन वापस से क्या हुआ कि जो सत्ता में आ गए वो कौन आ गए, अहमद आ गए। टिग्रे पॉलिटिशियन ने ये अक्यूज किया कि ये पावर में जो है वो गलत तरीके से आए हैं, और दोस्तों टेंशन ग्रैप हो गया, मिलिट्री के ऊपर और अटैक है जो कि ये टिग्रे फोर्सेस करने लग गई। यहां पे टोटल पॉपुलेशन की बात करें दोस्तों तो 6% ही पॉपुलेशन टिग्रे की देखने को मिलती है आपको, लेकिन जो ओरोमोज है इनकी 34% है और अमारास की 27%। अब ये तीनों ही दोस्तों क्या हो गए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है जो कि हो गए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 7 दिन या 14 दिन के अंदर दोस्तों ये यहाँ पे सरकार है जो कि गिर सकती है। ठीक है गाइस, अभी जो फिलहाल जो गवर्नमेंट है उसको अक्यूज ये किया जा रहा है कि अथॉरिटेरियन को इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जनता जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, ओके, और जो ये एबे जो थे फॉर्मर मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर थे जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी। ठीक है गाइस, रिसेंटली TPLF ने इरिटीरिया के ऊपर रॉकेट भी डाल दिए, इरिटीरिया ने आपस के रीजन में रॉकेट डाल दिया। इस तरीके से भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन में दोस्तों काफी अनरेस्ट है जो कि देखने को मिलता है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला एरिया है ना, ये देखिए गल्फ ऑफ अडीन, ये जो कंट्रीज माने जाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीकन वाले एरिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका मानते हैं। कौन कौन से कंट्रीज है इसमें, जिबोती है, इरिटीरिया, इथोपिया और सोमालिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज माने जाते हैं। इंडिया के इथोपिया से रिलेशन की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट है दोस्तों, हम लोग जो है इथोपिया को काफी मदद करते हैं, हमने $1 बिलियन से ज्यादा की मदद अभी तक दोस्तों इनको अवेलेबल है जो कि करवा दिया है, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, शुगर इंडस्ट्री के लिए, रेलवेज के लिए, एजुकेशन, मेडिसिन, इन सब के अंदर भी दोस्तों हम लोग इनको मदद है जो कि करते हुए आए हैं।
दोनों देशों के बाद में बात करें तो हम लोग $1 बिलियन के आसपास का बिजनेस करते हैं, है ना, जिसमें से मैक्सिमम 90% हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इनको। इंपोर्ट तो हम लोग इनसे बहुत ही कम है जो कि करवाते हैं। हमारी दोस्तों 550 इंडियन कंपनी है इथोपिया के अंदर, जो कि 55,000 लोगों को दोस्तों वहां पे जॉब है जो कि अवेलेबल करवाती है। टोटल इन्वेस्टमेंट $4 बिलियन के आसपास है। 58% इंडियन इन्वेस्टमेंट जो है मैन्युफैक्चर सेक्टर में, उसके बाद में एग्रीकल्चर में। हमने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा दोस्तों अडिस अबाबा के अंदर सेलिब्रेट भी किया था 2020 के अंदर, ठीक है गाइस, गांधी जी की जयंती के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बात करें पेज नंबर 14 दोस्तों स्पोर्ट्स की, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है अपने आकाश कुमार, जिन्होंने दोस्तों AIBA के वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर ब्रॉन्ज मेडल है जो कि यहाँ पे हासिल किया है। सेमीफाइनल के अंदर दोस्तों ये हार गए, इसीलिए इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। बॉक्सिंग के अंदर दोस्तों दो ब्रॉन्ज मेडल होते हैं, एक सिल्वर होता है और एक गोल्ड मेडल होता है। तो जो भी सेमीफाइनल में पहुंचते हैं ना उनको क्या मिलता है, ब्रॉन्ज मेडल तो एटलीस्ट मिलता ही मिलता है। मात्र 21 साल के हैं दोस्तों, ठीक है गाइस, और काफी जबरदस्त बॉक्सर है, ठीक है। चलिए इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो ये आपका फ्रंट पेज है दोस्तों, और यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट तो क्या है, एक बहुत ही अच्छी न्यूज है जो कि IITs को लेकर है। यहाँ पे देखिए दिल्ली के पॉल्यूशन लेवल के बारे में बताया गया है। लास्ट ईयर 13 नवंबर दिवाली से एक दिन पहले 339 था PPM, दिवाली के दिन 414 और उसके दिन 435 अगले दिन। इस बार क्या हो गया, दिवाली से पहले वाले दिन में कम था पॉल्यूशन, दिवाली वाले दिन भी कम था, लेकिन नेक्स्ट डे दोस्तों पॉल्यूशन 450 PPM से भी ऊपर पहुंच गया। तो बहुत ही पिछले 5 सालों में सबसे वर्स्ट केस है जो कि देखने को मिला। जितना मना किया फटाके नहीं फोड़ने, उतने ही लोगों ने ज्यादा फोड़े। मैं भी कल देख रहा था कि यार ये बैन हुए कि नहीं हुए, इतने फटाके कैसे फूट रहे, मतलब लग ही नहीं रहा था कि कोई बैन लगा है या फिर किसी को मना किया है, ऐसा कहीं लग ही नहीं रहा था। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे IITs के अंदर क्या होता है कि IITs कई सारे अपने पुराने जो लोग हैं ना उनको रीच करती है डोनेशन के लिए, ताकि रिसर्च के अंदर डेवलपमेंट के अंदर क्या वो पैसा काम में ले सके। अभी दोस्तों एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, IITs ने अपने जो पहले के एल्यूमिनियम लोग हैं जो काफ़ी अच्छी पोजिशन पर हैं, स्टार्टअप जिन्होंने कर रहे हैं, उनसे डोनेशन के लिए रीच तो कर रही है, और इस बार दोस्तों वो उनसे स्टॉक्स है जो कि लोग इनको डोनेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है वक्त के साथ में। तो यहाँ पे आप देखिए कि $1 मिलियन के स्टॉक है जो कि यहाँ पे एक्स IIT बॉम्बे के मद्रास के स्टूडेंट ने दोस्तों ट्रांसफर कर रहे हैं IITs को। बहुत अच्छी बात है ना, $1 मिलियन के करें तो आने वाले टाइम पे इनकी वैल्यू, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो इनकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और IITs के पास में पैसा हो जाएगा ताकि वो R&D के ऊपर पैसा लगा सके अपने, और जो प्रेजेंट में बच्चे हैं उनको भी और अच्छा चीजें हैं जो कि अवेलेबल करवा सके, ठीक है। तो यहाँ पे मोहित के बारे में बताया गया है, $1 मिलियन डोनेशन उन्होंने लास्ट नवंबर को जो है वो अवेलेबल करवाया। ऐसे कई सारे कुछ स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर अवेलेबल करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे बात करें दोस्तों तो इन्वायरमेंट कॉन्शियस लोग, हम लोग बातें तो कर रहे हैं इतने इन्वायरमेंट के, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में दोस्तों 12% इन्वायरमेंट कॉन्शियस लोग कम हो गए हैं, और हमारे देश में नहीं दोस्तों पूरी दुनिया में कम हो गए हैं। मतलब आप देख सकते हो कि इतनी ज्यादा जरूरत वाली बात है, लेकिन आप देख सकते हो एजुकेशन का लेवल कितना कम हो रहा है, कि नंबर ऑफ इन्वायरमेंट कॉन्शियस कंज्यूमर जो है ना वो वर्ल्ड में दोस्तों कम हो गए हैं। 12% डिक्लाइन इंडिया में भी देखने को मिला 2021 में 2020 के कंपेयर में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दोस्तों ये रिपोर्ट है जो कि यहाँ पे जारी करी गई है, ठीक है गाइस। 46% लोग है जो कि कंपोस्टिंग में, रिसाइकल में को जानते हैं, समझते हैं, ओके। एनर्जी सेविंग करने वाले 43% लोग है जो घर में करते हैं, फूड को थ्रो करने वाले, अवॉइड करने वाले 41% लोग है। तो आप लोग सोचिए कितने आगे हो ऑलरेडी दुनिया से, कि आपको ये सारी बातें पता है, आप कॉन्शियस हो, आप इनके ऊपर एक्ट भी करते हो, आप इनको समझते भी हो और दूसरों को समझाते भी हो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों वो तब लोग समझते हैं, तब इसके ऊपर लार्ज कैंपेनिंग की जाए, गवर्नमेंट अपने प्रमोशंस करे, जिस तरीके से आज के टाइम पे है ना इलेक्शंस के टाइम पे जो प्रमोशंस होते हैं, उस तरीके से जब आप इन्वायरमेंट को कैंपेनिंग करने लगोगे, इन्वायरमेंट के बारे में हर जगह बैनर पोस्टर बच्चों को पढ़ाना, स्कूल कॉलेजेस सब जगह पे नुक्कड़ नाटक हर जगह पे, तब जाके क्या होता है कि लोग कॉन्शियस होते हैं किसी चीज के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं, है ना। पहले से कंपेयर में आपने देखा होगा कि स्वच्छ भारत में भी लोगों ने डेफिनेटली थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है, लोग डस्टबिन देखते हैं तो उसमें थोड़ा चेंज आया है लोगों की मेंटालिटी में। तो उसी तरीके से दोस्तों ये काम भी करने की जरूरत है ताकि हम लोग हमारे एनवायरमेंट को बचा सकें, ठीक है गाइस। चलिए तो ये रिपोर्ट में बताया गया है वो घर पे वाटर को सेव करना 41% लोग समझते हैं। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, जो कि 5 साल हो चुके हैं नोट बैन को, आपको मालूम है डिमोनेटाइजेशन को, और कैश जो है वो ज्यादा लोगों के पास में आ गया है।
एक और दोस्त यहाँ पे मिथ है जो कि यहाँ पे बस्ट किया गया इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कि डिमोनिटाइजेशन हुआ था तो 8 नवंबर को हुआ था 2016 को, और 5 साल बाद में दोस्तों 8 नवंबर को ही पेटीएम का आईपीओ भी आने वाला है। संयोग देखिए कितना जबरदस्त है। तो 8 नवंबर को 5 साल हो जाएंगे है ना 2021 को, तो 8 नवंबर को ही जो है वो पेटीएम का वो भी आएगा, आईपीओ भी आएगा। और 8 नवंबर 2016 की बात करें तो उस टाइम पे दोस्तों हमारी इकोनॉमी में जो कैश था ना वो कितना था, 9,11,000 ठीक है करोड़, इतना कैश है जो कि हमारे देश के लोगों के पास में हुआ करता था। डिमोनेटाइजेशन के बाद में हमने सोचा कि चलो ठीक है भाई कैशलेस हो जाएगी इकोनॉमी, कैश लोग कम काम में लेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। डेफिनेटली क्या हुआ है कि लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम अपनाया तो सही, लेकिन उसी के रेशियो में कैश भी बढ़ता चला गया। और आज के टाइम पे दोस्तों जो गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया आज के टाइम पे 3 गुना ज्यादा, इनफैक्ट 4 3 गुना ज्यादा 28,30,000 करोड़ के आसपास कैश है जो कि भारतीय इकोनॉमी के अंदर है, यानी कि 3 गुना जो है वो पिछले 5 सालों में कैश भी जो है वो लोगों के पास में हो गया है। 211% अप है दोस्तों जो कि हो गया, यानी कि आज भी दोस्तों कैश जो है वो लोगों की फेवरेट मीडियम है एक्सचेंज करने का, ठीक है गाइस। चलिए तो ये ऑल टाइम हाई है जो कि यहां पे बताया गया है। तो कैश इन द सिस्टम स्टैंडली राइजिंग, डिजिटाइजेशन दोस्तों पेमेंट का हुआ है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने कोशिश भी बहुत करी वैसे, और लेकिन वही बात है कि कैश भी दोस्तों उतना ही लोगों के ऊपर भरोसा बढ़ता गया कैश के ऊपर भी, क्योंकि कोविड के टाइम पे आपको मालूम है लोगों के पास पैसे नहीं थे, कैश ने काम किया, उसके अलावा भी खैर कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस वजह से लोग कैश जो है अपने पास में ज़्यादा रखने में बिलीव रखते हैं। तो ये यहाँ पे दोस्तों डाटा बताया गया, 10-12% जीडीपी का जो है वो पहले हुआ करता था, अभी 14-15% के आसपास है जो कि हो चुका है कैश के अंदर। आगे बात करते हैं दोस्तों जो कि अमेजोन को लेकर एक और खतरनाक न्यूज़, अमेजोन ने दोस्तों यूएस की गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया है कि ये क्या करेंगे, 4,500 एडिशनल सैटेलाइट है जो कि दोस्तों स्पेस में भेजेंगे ताकि ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो है ना वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। ये काम आपको मालूम है एयरटेल की कंपनी है वन वेब वो भी कर रही है, एलन मस्क की कंपनी है दोस्तों स्टारलिंक जो कि इंडिया में लाइसेंस मांगने के लिए अप्लाई कर दिया है वो भी कर रही है, और अमेजोन ने भी दोस्तों इसी रेस के अंदर कदम बढ़ाते हुए अपना परचम लहरा दिया है, और उन्होंने $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है, और वो इसके प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों क्यूपर प्रोजेक्ट, ये इस प्रोग्राम का नाम है जो कि इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है गाइस। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जिसको FCC कहते हैं यूएस में वो अप्रूवल देते हैं, तो टोटल मिला के 7,500 से भी ज्यादा सैटेलाइट है जो कि ये लॉन्च करेंगे। अभी जो है वो 4,500 सैटेलाइट का अप्रूवल है जो कि इन्होंने मांगा है दोस्तों, ठीक है गाइस। 2022 तक ये अपना 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट भी जो है वो भेज देंगे, गांव हॉस्पिटल बिजनेस गवर्नमेंट एजेंसीज हर किसी को इंटरनेट दोस्तों अवेलेबल करवाने को लेकर बोला गया है। अभी भी आपको पता होगा दोस्तों कि पूरी दुनिया में 51% ही ग्लोबल पॉपुलेशन इंटरनेट है जो कि काम में लेती है, अभी भी 49% इंटरनेट दुनिया में काम में नहीं लेते हैं, समझ गए मेरी बात। इसके अलावा अगर बात करें तो 44% जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनके अंदर अभी तक 44% ही पॉपुलेशन है जो कि इंटरनेट काम में लेती है, यानी कि अभी स्कोप बहुत ज्यादा है। अभी सोचिए ना 51% दुनिया की पॉपुलेशन है, यानी कि जहां तक अभी पहुंचा है इतने ही लोगों तक और इंटरनेट पहुंचना बाकी है, तो जितने भी इंटरनेट कंज्यूमर जो कंपनीज है ना वो उनका बिजनेस 2 गुना हो सकता है, अगर वो इतने लोगों तक पहुंच गए तो 2 गुना नहीं बहुत ही ज्यादा गुना हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने की कोशिश करी जा रही है, और 4,500 सैटेलाइट दोस्तों एडिशनल के लिए इन्होंने डिप्लॉयमेंट के लिए अभी अप्रूवल है जो कि मांगा है। पूरी अर्थ जो है दोस्तों वो ऑलरेडी सैटेलाइट से भरी पड़ी है, आपको आइडिया भी नहीं होगा कि कितनी ज्यादा सैटेलाइट से हमारी अर्थ है जो कि कवर हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। कोई अगर गलती से एलियन आएगा तो देखिएगा यार ये हो क्या रहा है, चारों तरफ चल क्या रहा है अर्थ के ऊपर, मतलब जगह नहीं जाने के अंदर की तरफ, वो ऐसे बसते बसते निकलेगा मतलब सैटेलाइट के बीच में से। चलिए ठीक है गाइस, यहाँ पे ये बात हो चुकी है। इसके अलावा जेफ बेजोस की कंपनी है ये हम लोग बात कर ही चुके हैं, ठीक है ऑल राइट। अब आप एक बात और इंटरेस्टिंग देखोगे कि दुनिया में दोस्तों 7.7 बिलियन जो है वो पॉपुलेशन है ना, 7.7 बिलियन पॉपुलेशन, यानी कि इंटरनेट कितने लोगों के पास होगा, 3.7 बिलियन पॉपुलेशन के पास में इंटरनेट है जो कि होगा। ओके, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिनके व्यूज पूरी दुनिया का, अगर हर एक आदमी इंटरनेट देख अगर चला लेना वीडियो देख ले वाला, उससे भी ज्यादा दोस्तों व्यूज है
जो कि उस वीडियो को देखने को मिलेंगे। मतलब समझ रहे हो कितनी अजीब बात है। मेरे ख्याल से अगर आप गूगल सर्च करोगे मोस्ट व्यूड वीडियो होगा तो 6-7 बिलियन डॉलर के बिलियन के आसपास होगा। एक बार चेक कर लेना गूगल पे मोस्ट, मैं चेक कर लेता हूँ, आपको भी नजर आ जाएगा, मैं जो सर्च कर रहा हूँ वो आपको भी नजर आ जाएगा। मोस्ट व्यूड वीडियो कौन सा है भाई गूगल पे? बेबी शार्क करके 10 बिलियन व्यूज है इसके, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे 9.58 आ गया आपको नजर। हाँ तो आप देखो तो 9.58 बिलियन व्यूज है जो कि इसके बताए गए है ना। सेकंड नंबर पे अगर आप देखोगे गूगल पे करोगे तो डेस्पेसीटो जो है वो 7.61 बिलियन है। तो आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, मतलब ये कैसे हो सकता है कि जब पूरी दुनिया में ही इंटरनेट दोस्तों इतने कम लोगों के पास अवेलेबल है तो कैसे पॉसिबल है कि इतने व्यूज हो जाएं। तो एक्चुअली में व्यूज बढ़ाए जाते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है। आपको मालूम होगा कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि क्या करती है कि आप पैसा दो और उसके बाद में अपने व्यूज को जो है वो बढ़ा लो, ठीक है। तो ऐसा दोस्तों बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता है, इसी वजह से इनके जो व्यूज हैं वो बहुत ही ज्यादा बदले हुए हैं। मतलब जितने लोगों के पास इंटरनेट नहीं होते तो इनके व्यूज हो रखे, ठीक है गाइस। तो आप एक सोशल बार करके एक कंपनी आप देख लेना गूगल के ऊपर, उससे आपको जो बढ़ाना है, चाहे व्यूज बढ़ाने हैं, फॉलोअर बढ़ाने हैं, लाइव व्यूज बढ़ाने हैं, आपको 1 लाख करने हैं, 2 लाख करने हैं, आपको अपने कमेंट्स लाइक सब कुछ जो है आप बढ़ा सकते हो। तो इसी वजह से पूरी दुनिया में इंटरनेट तो 3.5 बिलियन लोगों के पास है लेकिन आपके व्यूज जो वीडियोस पे देखने को मिलते हैं वो और भी ज्यादा देखने को मिलता है। चलो आगे बात करते हैं। एक बहुत ही वीडियो है दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी सैटेलाइट है जो कि आपको स्पेस में देखने को मिलेगी, ठीक है गाइस। अगर आप मल्टीपल टाइम देखते हो ना तो एक ही व्यू काउंट करता है गूगल यूट्यूब, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक आईडी से एक बार देखो वीडियो या 10 बार देखो वीडियो, आपका एक ही व्यू है जो कि काउंट होता है, ठीक है। शायद ये एल्गोरिथम है जो कि यूट्यूब काम में लेता है। चलो ठीक है आगे बात करते हैं। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा वीडियो है जो कि आपके सामने है। इस वीडियो में आप देखोगे कि 7000 सैटेलाइट तो ऑलरेडी दोस्तों हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, इतनी सैटेलाइट अमेजॉन है जो कि भेजने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सैटेलाइट है जो कि हो जाएगी। ये देखिए टोटल मिला के अभी तक 7389 इंडिविजुअल सैटेलाइट है जो कि 2021 के अंदर है, और अभी 2021 में 850 सैटेलाइट है जो कि और लॉन्च है जो कि होने वाली है, ओके गाइज। तो कुल मिला के 66% जो है सैटेलाइट इसके अंदर यूज में आ रही है और बाकी सारी जो है वो खराब हो चुकी है। जिसमें से कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो 1800 के आसपास है, अर्थ ऑब्जर्वेशन की 900 के आसपास सैटेलाइट है, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 350 सैटेलाइट, नेविगेशन एंड पोजिशनिंग के लिए 150 सैटेलाइट आपको देखने को मिलेगी, स्पेस साइंस में 104 सैटेलाइट देखने को मिलेगी। तो अलग अलग दोस्तों काम के लिए अलग अलग सैटेलाइट है जो कि लॉन्च करी गई है। टोटल मिला के 7500 के आसपास सैटेलाइट है जो कि आपको स्पेस में देखने को मिलेगी, ठीक है गाइस। और धीरे धीरे आजकल क्या छोटी छोटी जो सैटेलाइट है ना वो और भी ज्यादा भेजने लग गए, एक साथ ही 100 भेज दो, 150 भेज दो, है ना। तो लास्ट 10 सालों के अंदर काफी छोटी छोटी सैटेलाइट है जिनको बढ़ा दिया गया है। ये देखो छोटे छोटे से क्यूबसेट बोलते हैं इनको, बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं ये। ठीक है ऑल राइट। तो ठीक है आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है दोस्तों जीरो कार्बन को लेकर। अभी आपको मालूम है ना COP26 के अंदर बात हुई थी कि कई सारी कंपनी है जो कि क्या करेगी, जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगी। जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी काम लेगी उसमें कभी कार्बन का रिलीज नहीं होगा। इसके अंदर दोस्तों जो साइन किया गया है सबसे पहले पैक्ट वो कौन है, Amazon, Apple, Mahindra, ओके, ये फर्स्ट मूवर्स है दोस्तों जिन्होंने कोलिशन को साइन किया है। बहुत अच्छी बात है यार, बड़ी बड़ी कंपनी अगर इसको ज्वाइन करेगी तो बहुत अच्छी बात है। Amazon, Apple है, Mahindra ग्रुप है और साथ में डालमिया सीमेंट है, इन सब ने दोस्तों ये लोग फाउंडिंग मेंबर है फर्स्ट मूवर कोलिशन के,
जो कि डिमांड कर रहे हैं कि जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दोस्तों ये बात है जो कि यहाँ पे करी गई है, ठीक है। 2050 तक का क्लाइमेट गोल है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के अंदर कार्बन को इंक्लूड किसी प्रकार से नहीं करेंगे, ठीक है। चारों कंपनी के नाम ध्यान रखिएगा, फर्स्ट मूवर कोलिशन है जो कि इनको कहा गया है। आगे बात करते हैं क्रेन एनर्जी दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, जिन्होंने दोस्तों हमारे कंट्री से केस भी जीत लिया था रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामले में, $1 बिलियन का, याद होगा आपको, जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट ने देने के लिए मना कर दिया था पैसा। तो इन्होंने फिर हमारे जो एसेट्स है ना विदेशों में, वो दोस्तों कैप्चर करना चालू, उनको ऑर्डर मिल गए थे कि भाई वो आप जब्त कर सकते हो। फिर हमने बोला भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम आपके पैसों को कर देंगे, लौटा देंगे, $1 बिलियन रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिस्प्यूट जो इन्होंने जीता था। तो ये अपनी कंपनी का दोस्तों जो नाम है क्रीन एनर्जी से कैप्रिकॉन एनर्जी है जो कि कर रहे हैं, ठीक है गाइस। यूके फर्म और वेदांत ग्रुप जो है वो दोनों मिलकर ये नाम है जो कि चेंज करने वाले हैं, ठीक है। और यही वो कंपनी थी दोस्तों क्रीन एनर्जी, जिन्होंने इंडिया के अंदर बिगेस्ट ऑयल डिस्कवरी है जो कि 2011 के अंदर करी थी, और क्रेन इंडिया को फिर इन्होंने बेच भी दिया था अनिल अग्रवाल की वेदांत ग्रुप को, ठीक है गाइस। चलिए ओके आप देख सकते हैं 1981 की ये कंपनी है, ऑयल और गैस इंडस्ट्री है, स्कॉटलैंड यूके के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। थॉमसन और निकोलेटा इनके हेड है, सीईओ अभी थॉमसन है, ओके। चलिए जनसत्ता के बारे में बात करें तो दोस्तों हरियाणा के अंदर कुछ बीजेपी नेता आए हुए थे, उनको बंधक बना दिया किसानों ने, मंदिर के अंदर भी चारों तरफ घेरा बना के उनको रोके रखा, टायर की हवा निकाल दी, बहुत ही बुरा है जो कि यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन के अंदर वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। दिवाली के बाद दिल्ली में हवा 5 साल में दोस्तों सबसे जहरीली बताया गया, और बिहार में तो दोस्तों बैन है वैसे तो अल्कोहल, लेकिन कुछ लोकल लेवल पे बनाते हैं, आपको मालूम है, उसके वजह से जहरीली शराब से 33 लोगों की दोस्तों यहाँ पे मृत्यु भी हो गई। यहाँ पे विकिपीडिया के बारे में बताया गया है कि विकिपीडिया दोस्तों क्यों जो है इतना रिलायबल सोर्स है जो कि आज के टाइम पे भी बताया जाता है। आपने दोस्तों हमेशा से सुना होगा कि स्कूल में कॉलेजेस में हमेशा सब लोग यही बोलते हैं कि भाई विकिपीडिया पे ज्यादा भरोसा मत किया करो, इट इज नॉट ए सिंगल सोर्स, ओके। मैं भी हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि विकिपीडिया पे आप फर्म जो है ना अपना डिसीजन कोई नहीं ले सकते, क्योंकि उसके अंदर एडिटिंग होती है, उसके अंदर चेंजेस होते हैं, एक वॉलंटरली दोस्तों उसके ऊपर काम किया जाता है। लेकिन फिर भी आज के एरा के अंदर दोस्तों विकिपीडिया बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुका है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि आपको कोई भी अगर फेक प्रोपेगेंडा फैलाना है तो लोग फेक वेबसाइट बना देते हैं, अजीबोगरीब ब्लॉग बना देते हैं उसको सही प्रूव करने के लिए, ओके। अजीबोगरीब किसी भी नाम से कोई अगर ब्लॉग बना हुआ होता है, आर्टिकल्स आए हुए होते हैं गूगल के ऊपर, तो उससे किसी भी चीज का को फेक चीज को सही प्रूव करने के अंदर दोस्तों लोगों को मदद मिल जाती है। तो क्या होता है कि एक तो बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज होते हैं, वो लोग पढ़ नहीं पाते है ना, क्योंकि उसके ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कम होता है, तो वो आपको नीचे की तरफ देखते हैं, फेक प्रोपोगेंडाज वाले ऊपर देखते हैं, तो लोग जो है वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे एरा के अंदर दोस्तों विकिपीडिया आज के टाइम पे लोगों के लिए एक बहुत ट्रस्ट वाला सोर्स है जो कि बन चुका है, ये दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। और लेकिन अक्सर जो है पुराने टाइम पे हम लोग बोला करते थे कि नहीं विकिपीडिया पे आप भरोसा मत किया करो, क्योंकि पहले जेन्युइन सोर्सेज ज्यादा हुआ करते थे, आजकल फेक प्रोपेगेंडाज बहुत ज्यादा हो गए, कोई भी बात को अपने आप को प्रूव करने के लिए ब्लॉग बना देते हैं, उटपटांग से वेबसाइट बना देते हैं, उसके ऊपर कुछ भी डाल के उसको प्रमोट करवा देते हैं पैसे लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि एक अच्छा माध्यम है जो कि विकिपीडिया, साक्षरता का अच्छा माध्यम है जो कि यहाँ पे बताया गया है, ओके। गलत सूचनाओं से लड़ने के लिए भी आसानी से पहुंच में आने वाला हथियार है जो कि विकिपीडिया को बताया गया है। विकिपीडिया के ऊपर हालांकि दोस्तों चेंजेस करना आसान है, लेकिन उसको वैलिडेट करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया है। विकिपीडिया वैसे तो खैर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटरली दोस्तों लोग काम करते हैं, और इसमें बदलाव जो होता है उसके भी एक काफी लॉन्ग एल्गोरिथम इन्होंने सेटअप कर रखा है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी चीज पुराना कंटेंट है उसमें एडिटिंग करनी है, तो आप एडिटिंग कर सकते हैं जाके, ठीक है। लेकिन उसमें चेंजेस ऐसे नहीं होते, चेंजेस के लिए आपको उनकी जो टीम है वॉलंटरली वाली वो पहले सर्च करती है, ओके। अगर लगता है कि यस इसको अंदर चेंजेस करे गए हैं, तो फिर देखते हैं कि जो चेंजेस करे गए हैं उसमें कितना रेलिवेंट है, अगर आप एग्री करते हो उनकी टीम तब जाके ही दोस्तों उसको अलाउ होता है, अगर वो एग्री नहीं करते तो वापस से उसको टॉक वाले पेज में डाल दिया जाता है और फिर वापस से सेम प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो 3 स्टेज बोलते हैं इसको, 3 स्टेज चेक पॉइंट है जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है कोई भी चेंजेस अगर आप किसी भी आर्टिकल में करते हो, तो समझ गए मेरी बात। तो इस तरीके से ये काम है जो कि होते हैं, ठीक है गाइज। अगर यहाँ पे देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको जो विकिपीडिया पे कल्चर और आर्ट्स के 30%, बायोग्राफिक्स एंड पर्सन के बारे में 15%, ज्योग्राफी और प्लेसेस के बारे में 14% आपको कंटेंट देखने को मिलता है। 325 लैंग्वेजेस में काम करते हैं, ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है दोस्तों। विकिपीडिया फाउंडेशन ओनर है जिमी वेल्स, लैरी सैंगर के द्वारा इसको क्रिएट किया गया,
wikipedia.org URL है, कमर्शियल दोस्तों जीरो, ओके। और यूजर अगर आप देखोगे तो 300,000 से भी एक्टिव एडिटर्स हैं, रजिस्टर्ड यूजर दोस्तों 100 मिलियन के आसपास हैं, ठीक है गाइज। और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी भी इनको डोनेशन देती है और लोग भी डोनेट करते हैं, जो लोग पढ़ते हैं ना। आज इंडिया के अंदर भी अभी कुछ टाइम पहले डोनेशन के लिए एक बॉक्स आने लग गया था डोनेट करने के लिए, जो लोग विकिपीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके पास में एक ड्रॉप बॉक्स खुलने लग गया था। हालांकि इनके पास में बहुत ऑलरेडी 3-4 मिलियन डॉलर जो है वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा फंड है जो कि पड़ा हुआ है लॉन्ग टाइम तक के लिए सस्टेनेबल होने के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने इंडिया में भी स्टार्ट किया था, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग डोनेट नहीं करते हैं तो इन्होंने वापस से बंद कर दिया, ठीक है। आगे बात करें पोर्चुगल के बारे में दोस्तों, यूथनेशिया के बारे में आपने सुना होगा। अगर आपने कभी गुजारिश मूवी देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो देखिएगा, वरना तो बेस्ट दोस्तों सिनेमा है जो कि आपको देखने को मिलेगा। और संजय लीला बंसाली के द्वारा बनाया गया था और वो मूवी बनाने से पहले भी उनको मालूम था कि इंडिया में ये पिक्चर नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने बनाया क्योंकि कल्ट मूवीज में से मानी जाती है। कल्ट सिनेमा समझते हो ना, जिसको वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें ऋतिक रोशन थे और बंसाली साहब के द्वारा बनाया गया था, ऐश्वर्या राय भी थी उसके अंदर, तो बहुत ही जबरदस्त मूवी बनाई गई थी। गुजारिश देखने का भी अगर आपको टाइम मिले तो, ठीक है। तो उस मूवी में यूथनेशिया के बारे में बताया गया था। तो दोस्तों पोर्चुगल के अंदर क्या कर दिया गया है, पार्लियामेंट ने इसको मंजूरी है जो कि दे दिया। यूथनेशिया क्या होता है कि जब कोई भी आदमी बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है या फिर उसकी हालत ऐसी होती है कि वो सही नहीं हो सकता और बहुत ही परेशान हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, लॉ से परमिशन मांगता है कि भैया मुझे इस जीवन से बढ़िया है कि मेरे को मार दिया जाए, समझ गए। ऐसी बीमारी है जिसका कोई सलूशन नहीं है, बेड पे पड़ा हुआ है, वो भी परेशान हो रहा है, बाकी सब लोग भी परेशान हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन से उसको मर जाना वो बेहतर समझता है। तो वो कोर्ट से परमिशन लेता है और फिर क्या करता है, उसको मार दिया, उसको मारने की परमिशन मिल जाती है। दो प्रकार की होती है, एक तो ये कि उसका सपोर्ट सिस्टम जिसके ऊपर वो टिका हुआ है उसको हटा दो, अपने आप मर जाएगा। एक क्या होता है, जो फिजिशियन होता है ना वो उसको ड्रग देके मार देते हैं पीसफुली। तो ये दो तरीके होते हैं, इसको एक्टिव और पैसिव बोलते हैं यूथनेशिया। तो पोर्चुगल ने दोस्तों इसके अंदर जो है वो मंजूरी दे दी, राष्ट्रपति के साइन होंगे और ये वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। यूएस के अंदर दोस्तों यूथनेशिया जो है वो इलीगल है, लेकिन अगर कोई फिजिशियन आपको सुसाइड करवाने में मदद करे तो वो लीगल है, एक तरीके से यूथनेशिया ही हो गया ना ये भी। तो वैसे नीदरलैंड और बेल्जियम के अंदर भी है दोस्तों, अगर कोई आपको मदद कर रहा है प्यार से मरने में तो वो वहां पे लीगल है, ठीक है। स्विट्जरलैंड और जर्मनी के अंदर भी सेम कहानी है, जापान के अंदर भी सेम कहानी है, ओके। इसके अलावा इंडिया में भी दोस्तों इसको लेकर काफी बार बातचीत हुई है। लॉ कमीशन ने 2006 में रिकमेंडेशन दिया था कि इसको एग्जामिन किया जाए, कंसल्ट किया जाए। 2011 के अंदर केस भी हुआ अरुणा केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया था और लीगलाइज करने के लिए बोला था पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया का मतलब क्या है कि कोई आपको मदद करेगा और आपको पीसफुली एंड कर दिया जाएगी आपको लाइफ। और सेंटर को बोला गया था कि लॉ जो है ना वो बनाया जाए मॉनिटर करने के लिए। कोर्ट ने दोस्तों गाइडलाइन बनाने के लिए भी बोला था। 2011 में लॉ कमीशन ने भी ये बात बोली, ड्राफ्ट बिल भी बनाया। 2016 के अंदर दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर ये ड्राफ्ट बिल भी गया, जनता के राय लेने के लिए भी रखा गया, लेकिन उसके बाद में दोस्तों इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अक्सर लोगों का ये मानना है कि इंडियन कम्युनिटी जो है वो अभी इतनी ज़्यादा समझदार नहीं है कि वो इन चीज़ों को फ़र्क समझ सके, और क्या होगा कि लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम में यूथनेशिया मांगने लग जाएंगे, है ना, और लोग इसका गलत चीज़ें जो है वो ज़्यादा प्रमोट हो जाएंगी इंडिया के अंदर। हम लोग जो हमारा जो कल्चर रहा है, जो ट्रेडिशन रहा है, वो हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन में ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि आप जो भी है जैसे हो अपने लड़ो आगे बढ़ो उसके अंदर। तो अगर ये चीज़ इंडिया में लागू हो जाएगी तो लोग जो है वो इजी माध्यम निकालेंगे अपनी लाइफ को एंड करने का, ठीक है। ऐसा दोस्तों कुछ लोगों के द्वारा इसके अपोजिशन में बोला गया। फेवर के अंदर तो पूरी दुनिया कर ही रही है, तो ये तो फेवर में आपको मालूम ही है, कोई आदमी इतना ही ज़्यादा परेशान है तो फिर उसको जो है वो भेज दिया जाए, तो ये यहाँ पे बताया गया, ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं, देखिए एक्टिव यूथनेशिया है और ये पैसिव है, ठीक है। चलिए आगे बात करें इंडिया और गैम्बिया के बारे में। इंडिया और गैम्बिया दोनों देशों के बीच में दोस्तों अभी कई सारे MOU है जो कि साइन हुए हैं, जैसे कि एक तो आपके पासपोर्ट धारकों को वीजा में छूट देने के लिए, आधिकारिक जो डिप्लोमेटिक जो होते ना, डिप्लोमेटिक है जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पासपोर्ट्स हैं उनको आप अवेलेबल करवाओ वीजा इजीली। इसके अलावा दोस्तों $5,00,000 का मदद भी हम इनको अवेलेबल करवाएंगे। डायलिसिस मशीन को खरीदने के लिए घोषणा करी गई है। गाम्बिया के विदेश मंत्री के साथ में आप डिस्कशन किया हमारे मुरलीधरन जो कि राज्य मंत्री विदेश, ओके। 75वीं वर्षगांठ पे स्मारक डाक टिकट भी वो जारी करेंगे। इसके अलावा ठीक है गाइज और भी कई सारे यहाँ पे डिस्कशन है जो कि हुए हैं, ठीक है, ट्रेड को लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर, है ना, ये सब चीज़ें डिस्कशन है जो कि यहाँ पे किया गया है। काचीकली संग्रहालय यूनिवर्सिटी ऑफ गैम्बिया जो है उन दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ है। तो कोई ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादातर यहाँ पे पासपोर्ट वीज़ा, है ना, इनके बारे में ही जो है डिस्कशन है जो कि हुआ है।
ठीक है गाइस, वेस्ट अफ्रीका वाला जो एरिया है वहां पे आपको गैम्बिया एक छोटा सा कंट्री आप देख सकते हो, बिल्कुल ट्रेन है ना इस तरीके का दोस्तों देश देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ। ओके बेंजुल दोस्तों यहाँ पे कैपिटल है। ओके बहुत सारे दोस्तों एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अडाम्बा जो है प्रेसिडेंट है, 65 में यूके से इनको इंडिपेंडेंस मिली। पॉपुलेशन की बात करें तो 21 लाख की पॉपुलेशन है। ठीक है गाइस, जीडीपी पर कैपिटा तो $1,000 से भी कम है, एसडीआई में बहुत ही लो है, दलासी है जो कि इनकी करेंसी मानी जाती है। आगे बात करें ब्रावो को लेकर दोस्तों, तो बहुत ही फेमस दिग्गज एक ऑलराउंडर है जो कि वेस्ट इंडीज के रहे दोस्तों ड्वेन ब्रावो, आपको मालूम होगा चैंपियन चैंपियन गाना भी इन्होंने दोस्तों गाया था। ओके गाइस, तो इन्होंने अपना 17 साल का करियर है जो कि एंड कर दिया है और इन्होंने घोषणा कर दी है कि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं। ठीक है गाइस, 90 T20 मैचेस में 1200 रन बनाए, 78 विकेट लिए। ओके और 40 टेस्ट मैच भी खेले हैं, काफी सारे ओडीआई भी इन्होंने खेले हैं। 17 साल तक का दोस्तों इनका करियर है जो कि इनका रहा है। ठीक है गाइस, कई सारे बार टीम से बाहर रहे, अंदर बाहर रहे। ठीक है, चलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे दोस्तों आज के फन फैक्ट के बारे में बात करें तो नेपाल के अंदर दोस्तों एक फेस्टिवल होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिवल है, कुकुर तिहार। इसमें पता है क्या होता है कि जो भी अपने डॉग्स है ना उनको दोस्तों थैंक यू है जो कि बोला जाता है, एक थैंकफुल सेरेमनी है जो कि करी जाती है। जो डॉग्स की लॉयल्टी होती है, जो फ्रेंडशिप होती है, जितना प्यार दोस्तों वो इंसानों को देते हैं, जितना मैच्योरिटी वो दिखाते हैं इंसानों के प्रति दोस्तों, शायद इंसान भी इंसान को नहीं दिखा पाते। ओके गाइस, जो लॉयल्टी इनकी होती है तो इन्हीं को ही दोस्तों डेडिकेटेड जो है नेपाल में फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये था आज का फन फैक्ट और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पे दोस्तों BHU 10 या BHU 10 आप लगा सकते हैं अनअकैडमी पे कोई भी प्लस कोर्स लेने के लिए, UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC, इन सभी एग्जाम्स के लिए। आपको दोस्तों 170 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स बार UPSC क्रैक किया है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, वीकली टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। 12, 24 या 36 महीने आप सेलेक्ट करिए। यहाँ पे BHU 10 है जो कि आप नीचे की तरफ लगा के आप अपना ऑफ पा सकते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी आप अलग से तैयारी कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, गोल अपना यहाँ पे सेलेक्ट करें, जो भी आपका एग्जाम का गोल है प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 महीने, और यहाँ पे BHU 10 है जो कि आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, और ठीक है GS का फाउंडेशन बैच दोस्तों आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों फाउंडेशन बैच के अलावा एक बच्चे के एजुकेशन भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। तो ये था दोस्तों आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन।